अगली स्टोरेज डिवाइस है जिप ड्राइव। डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूजुअली फ्लॉपी डिस्क का यूज में लिया जाता था, लेकिन फ्लॉपी डिस्क की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी कैपेसिटी केवल थी 1.44 MB, यानी कि जो ऑडियो सॉन्ग आज के समय में 3-3.5 MB का होता है, वहीं फ्लॉपी डिस्क की टोटल कैपेसिटी ही लगभग 1.44 MB होती थी, जिसके कारण फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से ज्यादा डेटा को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। उस समय जिप ड्राइव अस्तित्व में लाई गई। आरंभिक जिप ड्राइव को 100 MB की क्षमता के साथ प्रस्तुत किया गया था। ये फ्लॉपी डिस्क की ही तरह थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। शुरुआती जिप ड्राइव को 100 MB की क्षमता के साथ प्रस्तुत किया गया था, यानी शुरुआती जिप ड्राइव 100 MB की कैपेसिटी के साथ उपलब्ध थी, और कम कीमत वाली जिप ड्राइव 25 MB के साथ भी उपलब्ध थी, जो उसी 100 MB ड्राइव में कार्य कर पाती थी। कोशिश ये की गई थी कि जिप की डिस्क को भी साधारण फ्लॉपी की कीमत के करीब लाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब ऐसा प्रयास किया गया था कि जितनी कीमत में फ्लॉपी डिस्क मिल जाती है, उतनी कीमत में ऐसी कोशिश की गई थी कि जिप डिस्क को भी अवेलेबल कराया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। फिर भी 100 MB डिस्क के आगमन से जल्दी ही जिप को सफल बना दिया। मतलब क्योंकि दिक्कत होती है 1.44 MB बहुत कम कैपेसिटी होती है, तो 100 MB की जब डिस्क आई तो उसने बहुत जल्दी ही जिप ड्राइव को सफल बना दिया, और लोग इसको सामान्य फ्लॉपी डिस्कों जिनकी क्षमता 1.44 MB होती थी उसके बजाय इसका प्रयोग करने लगे, और बड़ी फाइलों को इसके माध्यम से ट्रांसफर या संग्रहित करने लगे। परंतु बाद में वर्जन्स में क्षमता बढ़ाकर पहले 250 MB और फिर 750 MB कर दी गई, यानी जिप डिस्क की कैपेसिटी पहले जो कि 100 MB थी शुरुआती समय में, इसे बढ़ा करके बाद में 250 MB और फिर उसके बाद बढ़ा करके 750 MB तक कर दिया गया। अगली स्टोरेज डिवाइस है फ्लैश ड्राइव्स, जिसे आमतौर पर हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये USB फ्लैश ड्राइव्स एक NAND प्रकार की फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि जिसे हम USB पोर्ट कहते हैं, USB इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर पेन ड्राइव लगाने के लिए हमें USB पोर्ट की जरूरत होती है। यह सामान्यतः हल्के, छोटे, हटाए जा सकने वाले तथा दोबारा लिखे जा सकने वाले डाटा संग्रहण इकाई है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत छोटी सी डिवाइस है जो कि रिमूवेबल नेचर की है। रिमूवेबल मतलब आप लगातार पेन ड्राइव को कहीं पर लगाए रखें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यूजुअली इसमें के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं और वापस फिर से निकाल लेते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से हार्ड डिस्क सिस्टम में लगी हुई रहती है उसके दम पे ही सिस्टम चलता है। हार्ड डिस्क आप निकाल दोगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? तो कहीं ना कहीं सिस्टम हार्ड डिस्क पर निर्भर होता है, लेकिन सिस्टम कभी भी पेन ड्राइव के ऊपर आमतौर पर निर्भर होता नहीं है। पेन ड्राइव यूं समझ लीजिए कि निकाल सकने योग्य है, सिस्टम कहीं से भी उस पर निर्भर नहीं है, तो इसका नेचर रिमूवेबल कहलाता है। अभी के समय में पेन ड्राइव्स कई सारी कैपेसिटीज के साथ अवेलेबल हैं, ज्यादा स्टोरेज के साथ भी अवेलेबल हैं। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो पेन ड्राइव यानी फ्लैश ड्राइव्स को इस्तेमाल करता है। फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, विशेषकर फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा इसमें कई लाभ है। फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षाकृत तो खैर कई लाभ है ही, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। जरा भी धूल या मॉइस्चर के कारण फ्लॉपी डिस्क का परफॉर्मेंस खराब होता था और कई बार वो खराब भी हो जाती थी, लेकिन पेन ड्राइव पे भरोसा किया जा सकता है और बहुत इसकी कैपेसिटी ज्यादा भी है फ्लॉपी डिस्क की तुलना में। तो इनके बीच में हालांकि कोई कंपैरिजन है नहीं, उसकी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बहुत ज्यादा टिकाऊ और बेहतर है। फ्लॉपी डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस विजुअल में दिखाया गया है और इससे रिलेटेड थ्योरी आप नोट भी कर सकते हैं। अगली स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे डिस्क। जैसे CD का अपडेटेड वर्जन DVD है, यूं समझ लीजिए कि DVD का अपडेटेड वर्जन ब्लू रे डिस्क है। स्वाभाविक है DVD की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, हाई डेफिनेशन डेटा स्टोर किया जा सकता है। यह डिस्क प्रारूप परंपरागत DVD के संग्रहण क्षमता से 5 गुना अधिक क्षमता रखती है, जो एक स्तरीय डिस्क में 25 GB एवं द्वितीय स्तरीय डिस्क में 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। तो बहुत अधिक डेटा स्टोरेज के लिए DVD के बजाय आप ब्लू रे डिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां वर्तमान ऑप्टिकल डिस्क जैसे DVD और उसके वर्जन्स डेटा को रीड और राइट करने के लिए लाल लेजर पर निर्भर करती हैं, लाल लेजर पे, वहीं ब्लू रे डिस्क में इसके स्थान पर नीला बैंगनी
लेजर यानी ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लू रे है। यूं समझ लीजिए कि डीवीडी राइटर कभी भी ब्लू रे डिस्क को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि डीवीडी राइटर में जिस तरह का लेंस होता है वो लेंस ब्लू रे डिस्क के लिए आइडियल नहीं है। तो ब्लू रे डिस्क के लिए एक अलग लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो लेंस नीली बैंगनी लेजर यानी ब्लू वायलेट लेजर पर बेस्ड होता है। ब्लू रे के वर्जन को वर्तमान में दुनिया के 180 से अधिक अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यक्तिगत कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग मीडिया, वीडियो गेम तथा संगीत कंपनियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनियों के द्वारा इस ब्लू रे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया गया है, और संभव है कि भविष्य में डेटा स्टोरेज में यह एक आइडियल डिवाइस हो, यानी कि हो सकता है कि आगे के समय में डीवीडी का यूज होना ही बंद हो जाए और बजाय इसके ब्लू रे डिस्क ही अस्तित्व में अवेलेबल हो। अगली डेटा स्टोरेज डिवाइस है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह देखने में हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा होती है। इसमें हार्ड डिस्क की तरह न ही कोई मोटर होती है और न ही कोई घूमने वाली डिस्क। यह इंटीग्रेटेड सर्किट को डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की तरह इस्तेमाल करती है। SSD बिल्कुल रैम की तरह सेमीकंडक्टर से बनी होती है। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क के बजाय SSD का यूज करते हैं तो सिस्टम की स्पीड कई गुना ऑप्टिमाइज हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। SSD बिल्कुल रैम की तरह सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, लेकिन रैम की प्रकृति के विपरीत यह एक स्थायी मेमोरी है। रैम की प्रकृति कैसी है कि रैम डेटा को कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं करता, जबकि रैम की प्रकृति के विपरीत यानी रैम के अपोजिट ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। लेकिन इसको बनाने की टेक्निक रैम की तरह सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, जिसके कारण इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा है। SSD की कॉस्ट भी हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा है। जिस प्रकार से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डेटा को संग्रहित करता है, ठीक उसी प्रकार से SSD भी डेटा को संग्रहित करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि SSD पेन ड्राइव का एक बड़ा रूप है। SSD में कोई भी यांत्रिकीय पुर्जा यानी मैकेनिकल आर्म नहीं होता। जैसे मैंने हार्ड डिस्क में आपको बताया था कि मैकेनिकल प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में डेटा को डालने और निकालने के लिए हेड का इस्तेमाल किया जाता है। यहां इसमें कोई मैकेनिकल आर्म नहीं होता, इसलिए डेटा को लिखने तथा पढ़ने के लिए SSD में एम्ड प्रोसेसर का यूज किया जाता है। एम्ड एम्बेडेड प्रोसेसर यानी प्रोसेसर उसमें एम्ड रहता है यानी उसमें मर्ज रहता है, जिसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से डेटा को लिखा तथा पढ़ा जाता है। SSD की गति को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण के लिए आवश्यक यह जो भी डिसीजन लेता है, जैसे डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्राप्त करना या मेमोरी में लाना, ये सभी डेटा की गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए हुए विजुअल में एक SSD का एग्जाम्पल दिखाया गया है, और इस तरह के SSD को आजकल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप PCs में डेटा स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। अगली स्टोरेज डिवाइस है SD मेमोरी कार्ड, MMC यानी मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड एक फ्लैश मेमोरी कार्ड मानक है। फ्लैश मेमोरी कार्ड जिस तरह से पेन ड्राइव को चलने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, उसी तरह से SD कार्ड को भी चलाने के लिए किसी अलग से स्पेशल ड्राइवर की जरूरत नहीं है। पोर्ट पर लगते से ही ये ऑटो प्ले हो जाता है। जैसे पेन ड्राइव पोर्ट पर लगते ही ऑटो प्ले हो जाती है, ठीक उसी तरह से MMC भी पोर्ट पर लगते ही ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। आमतौर पर मल्टीमीडिया कार्ड का यूज कंप्यूटर तथा डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि में स्टोरेज मीडिया के रूप में किया जाता है। आपने डिजिटल कैमरा देखा होगा, डिजिटल कैमरा में इंटरनल मेमोरी के अलावा अलग से कार्ड लगाया जाता है, वो अलग से ये कार्ड मल्टीमीडिया कार्ड कहलाता है। ठीक जिस तरह से मल्टीमीडिया कार्ड डेटा का स्टोरेज करता है, उसी प्रकार से SD यानी सिक्योर डिजिटल भी फ्लैश मेमोरी कार्ड का ही एक प्रारूप है। यूं समझ लीजिए कि पर्पस दोनों के सेम है। देखिए SD यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड हो या MMC यानी मल्टीमीडिया कार्ड, दोनों का पर्पस सेम है, डेटा को सुरक्षित करना। लेकिन दोनों का साइज में अंतर है। साइज में अंतर होने के कारण दोनों के पोर्ट अलग अलग होते हैं। पोर्ट अलग होने का मतलब कि जिस पोर्ट में मल्टीमीडिया कार्ड फिट होगा उसमें SD कार्ड फिट नहीं होगा, या यूं समझ लीजिए कि जिस पोर्ट में SD कार्ड फिट होगा उसमें कभी भी मल्टीमीडिया कार्ड फिट नहीं होगा। हालांकि जैक लगा करके इनको हम
कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन दोनों के पोर्ट्स पूरी तरह से अलग अलग हैं। एसडी कार्ड को हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में लगाया जाता है। एसडी कार्ड का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड है, जिसका प्रयोग हम डाटा स्टोर करने, फोटो वीडियो फाइल्स इत्यादि को संग्रहित करने के लिए करते हैं। इनका सबसे अधिक यूज मोबाइल उपकरण में किया जाता है, मतलब मोबाइल्स में आप जो कार्ड लगाते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए लगाते हैं, वो एसडी कार्ड कहलाते हैं यूजुअली। इनके विजुअल्स को यहां दिखाया हुआ है, इनके विजुअल्स को आप देख सकते हैं और साथ में नोट भी कर सकते हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखनी होगी, एसडी कार्ड के पढ़ने तथा लिखने की मेमोरी कार्ड के क्लास के ऊपर निर्भरता होती है, मतलब एसडी कार्ड की जो भी डेटा रीड और राइटिंग की स्पीड होगी वो उसकी क्लास पर डिपेंड करती है। जैसे यदि आपका मेमोरी कार्ड क्लास 2 का है तो उसकी रीड और राइटिंग की स्पीड 2 Mbps की होगी, वहीं अगर वो क्लास 4, 6 या 10 का होता है तो उसकी रीड राइटिंग की स्पीड 4 Mbps, 6 Mbps या फिर 10 Mbps होगी। यदि आपको आपका मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड की स्पीड 10 Mbps से अधिक की चाहिए तो आपको UHS-1 और UHS-3 क्लास के मेमोरी कार्ड ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो उस क्लास के आपको एसडी कार्ड यूज में लेने होंगे। नीचे दी हुई टेबल आप नोट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग क्लास की स्पीड और उनके जहां यूसेज को बताया गया है कि कहां पर उनका यूज करना आइडियल होता है। तो ये सारी थी स्टोरेज डिवाइसेस। हर स्टोरेज डिवाइस का अपना एक अलग तरीका हो सकता है, वर्किंग का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, पर्पस सभी का सेम है कि इनको यूज में लिया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। और इन सभी में कॉमन बात यह है कि ये सभी नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं। नॉन वोलेटाइल नेचर मतलब मैं फिर से आपको बताता हूं कि डेटा एक बार स्टोर करने के बाद जब तक हम उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे या किसी कारण से डेटा खुद करप्ट नहीं हो जाता है तब तक वो डेटा स्टोर उसमें रहेगा ही। ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस का पर्पस सेम है लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है या होता है, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डिवाइसेस आदर्श होती हैं।